हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं बनाते हैं कच्चे चावल का एक नया नाश्ता। उसके लिए हम पहले से चावल भिगो कर रख दिए थे 2 घंटे पहले। इसके पानी जो है निकाल दिए हैं और आपको दिखा रहे हैं, बस हमें इतना ज़्यादा खुला हुआ चावल चाहिए। और ये हमारी पालक की प्यूरी है, ये पहले से पिसा हुआ रखा था, हमने कहा कि इसमें डाल लें। अब इस ब्लेंडर जार में अपना चावल डाल देंगे फूला हुआ। और उसके बाद में हम डाल देंगे अपनी पालक की प्यूरी और ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसके बाद में हम डाल देंगे 1/2 इंच अदरक, 4 से 5 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्ची। इसके बाद ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमें इतना ही महीन पेस्ट चाहिए। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, आप कम ज़्यादा जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे और ये जीरा पाउडर डाल देंगे। 2 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मीठा सोडा पड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में। इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे फ्राई पैन में 1 चम्मच घी। घी हमारा अब गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ बेटर। आइए देखिए, इसे हम 1-1 चम्मच डालते रहेंगे और ये डाल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना ये टमाटर का बना हुआ इस अब इस पर सब पर मसाले पड़ गए हैं। अब इसके ऊपर 1/2 चम्मच फिर से पेस्ट डाल देंगे ताकि ये अंदर पैक हो सके और अच्छे से पक जाए। इसमें खड़ी मटर पड़ी है, अगर इसे पैक नहीं करेंगे तो ये अच्छे से नहीं पकेगी, कच्ची रह जाएगी। ये देखिए, अब हमारा ये जो है पैक हो चुका है। अब इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। ये देखिए, अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे। ये पलट पलट कर इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये हम फिर से पलट दे रहे हैं ताकि ये फिर से अच्छे से सिक जाए नीचे तक। अब ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। अब हमारे सारे नाश्ते जो थे वो तैयार हो चुके हैं। अब आपको चलते हैं दिखाते हैं प्लेट में लगाकर। ये देखिए, ये मार्केट की हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों हैं, घर की बनी नहीं है, फिर भी ये इन्हीं चटनी के साथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
ये देखिए, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।